इंतजामिया छुट्टी पर हो या ड्यूटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जियों की सरकारी नेखों में परवामी बोझदार हुकूमत के लिए बदस्तूर चैलेंज ही है। दावों और बयानबाजियों के बावजूद सब्जी के दुकानदारों की हट धर्मी बरकरार। मनमर्जी के नेखों पर अदरक 500, लहसुन 300, टमाटर 150, हरा धनिया 250 और सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो पर फरोख्त। प्याज 70 और आलू 90 रुपए किलो हो गए। दावे वादे और ऐलानात के बावजूद बुज़दार हुकूमत चीनी बहरान पर काबू पाने में नाकाम। सरकारी मिर्च 70 रुपए किलो का नफाक हुआ ना 95 रुपए किलो की फरोख्त रोकी जा सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर कम कीमत चीनी के स्टॉक भी बैरान हो गए। तफसीलात से आगाह किया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश कहीं कहीं बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की आज से 3 रोज के लिए अब्र आलूद मौसम और वक्ते वक्ते से बारिश की पेशगोई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री रहेगा। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब ईद उल अज़हा लाहौर में मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अहमद मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी समेत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और अदालतें आलिया के बेशतर जजेस भी लाहौर में ईद गुजारेंगे। पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। उम्मीदवारों को सियासी पार्टियों के इंतखाबी निशानात अलॉट नहीं किए जाएंगे। नेबरहुड और विलेज पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए 5,000 नामजदगी फीस मुकर्रर। हर वोटर को जनरल खातून और अकलती मेंबर के इंतखाब के लिए अलग अलग बैलेट पेपर जारी होंगे। पोलिंग का दौरानिया 7 घंटे होगा। इलेक्शन रूल्स 2020 का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सियासी मजबूरी या बुज़दार हुकूमत का दोखलापन। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को नवाजने के लिए किफायतशारी मुहिम खत्म। महकमा खजाना ने जनूबी सेक्रेटेरिएट के लिए ममनुआ पुरताश गाड़ियों समेत दीगर कीमती अशिया की खरीदारी की इजाजत देने की तस्दीक कर दी। फिरदौस मार्केट अंडरपास रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने की तैयारी। ईद के तीनों रोज मंसूबे पर काम जारी रखने का फैसला। LDA हुकाम माह सितंबर तक अंडरपास से ट्रैफिक बहाली के लिए पुरअज़्म। लेस्को में वर्कर दोस्त ऑपरेशनल सिस्टम का नफाज। लाइन स्टाफ की हिफाजत के लिए करोड़ों की लागत से 50 बकेट ट्रेन की खरीदारी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 12 बकेट ट्रेन हुकाम के सपोर्ट कर दी। ट्रेन हंगामी सूरत हाल और स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब के साथ साथ हादसात से बचाव में भी मुआवन होंगी। पीटीए महंगे मोबाइल फोन पर टैक्स रिलीफ में नाकाम। ताहाल एप्पल और आईफोन के 63,000 से लेकर 2.5 लाख तक की मोबाइल फोन पर 40,000 टैक्स की वसूली ताहाल जारी। गैर मसावी टैक्स स्लैब पर पीटीए हुकाम का मौके देने से इनकार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन रहनुमा को झूठी सियासत से तोबा की तलकीन। बोले ऑपोजिशन के पास हिकमत अमली है ना ही कोई एजेंडा, इसीलिए उनकी साख अवाम में खत्म हो चुकी है। ऑपोजिशन अपनी फिक्र छोड़े मुल्क को कौन का सोचे। FATF बिल की मंजूरी तारीखी है। गवर्नर पंजाब की चेयरमैन हिलाल अहमद इब्रारुल हक और पार्टी वफूद से गुफ्तगू। गवर्नर चौधरी सरवर की कोरोना के सबब शहरियों से ईद सादगी से मनाने की अपील। बरतानवी फजाई कंपनी ने पाकिस्तान के लिए फजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। बरतानवी कंपनी ने कोरोना से मौतल शुदा फ्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान से गहरे ताल्लुकात की बिना पर बहाल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर का फजाई सर्विस की बहाली पर खुशी का इजहार। और दोनों कोरोना टेस्ट मनफी आने पर हारिस रऊफ क्लियर। फास्ट बॉलर पाकिस्तानी पेस बैटरी को सहारा देने के लिए इंग्लैंड चले गए। हारिस रऊफ मैनचेस्टर में क्वारंटीन के बाद कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे।